हाय, मेरा नाम है स्वप्निल भोपी और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं सुसाइड और डिप्रेशन से रिलेटेड। जब से हमारे जो लोकप्रिय हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या हुई है, तब से इस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक प्लीज़ शेयर विथ मी, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला, सुसाइड इंसान क्यों करता है? जब भी कोई डिप्रेशन में चला जाता है, हेल्पलेस फील करता है, वर्थलेस फील करता है या होपलेस फील करता है, सो उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आता। इमोशनल पेन जो होता है, वो जो सफरिंग होती है, उससे वो इतना झुलस जाता है कि उसको उससे बाहर आने का कोई नज़रिया दिखता नहीं है। और फिर वो दर्द ख़त्म ना कर पाने के वजह से ज़िंदगी को ख़त्म करना उनको आसान लगने लगता है। ऐसा नहीं कि आसान होता है, आत्महत्या करना या खुद की जान लेना एक बहुत ही कठिन काम है, पर उनको वो आसान लगने लगता है। तो सोचिए कि आत्महत्या करना उनको ईजी लगता है तो वो दर्द कितना बड़ा होता होगा। तो ऐसे में हमने क्या क्या करना चाहिए या फिर सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, इन पे मैं थोड़ी बात करूँगा। हमने क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको समझाने ना जाए कि ज़िंदगी कितनी प्यारी है, ज़िंदगी कितनी अच्छी है, माँ बाप का सोचो, बच्चों का सोचो, तुम्हारे करियर का सोचो, ये सब ना समझाते हुए उनको समझने की कोशिश करनी है। अगर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी बातें, उनके इमोशंस को, उनकी ज़रूरतों को सुनेंगे, तो उनको थोड़ा हल्का महसूस होगा। हम ऐसे बात करते ही है, हम वैसे कहते ही हैं कि बात करने से मन हल्का होता है। सो अगर हम उनको बात करने देंगे तो उनका मन हल्का होगा, और फिर मन हल्का होने के बाद वो दर्द कम हो जाएगा और उनके आत्महत्या के विचार कम होते जाएंगे। सो अगर कोई आपको दिखता है कि जो आत्महत्या के बारे में बात कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नोटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो उनकी बातों को ज़रूर सुनिए, सॉल्यूशंस की तरफ ना जाइए। हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उनका इमोशनल पेन, उनकी सफरिंग कम नहीं कर सकते। सो कोशिश यही करनी है कि उनकी बातों को सुने और समझें। और आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? सो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक ही तो ज़िंदगी मिलती है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। या फिर अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्महत्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे उपाय उपलब्ध है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हम प्रॉपर हेल्प लेते हैं, प्रॉपर सपोर्ट लेते हैं अपनी निजी लोगों का, या हेल्पलाइंस पे कॉल करते हैं, या फिर अगर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो किसी को बता नहीं सकते, किसी चीज़ की गिल्ट है, लगता है आपको कि आपने कोई गुनाह किया है, गलती की है और किसी को बता नहीं सकते, तो बेहिचक आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को कॉन्टैक्ट करके अपने मन की बातें बता सकते हैं और वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपकी बातें किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं कन्वे की जाएगी। सो आप बेहिचक आके अप्रोच कर सकते हैं। वी आर ट्रेंड फॉर दैट। हम बातें सुनने के लिए, समझने के लिए और उनको गोपनीय रखने के लिए ही है। सो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये एक वजह है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है जिसमें हम बहुत ही कैद महसूस करते हैं, ट्रैप फील करते हैं, और उससे वे आउट नहीं नज़र आता है। पर अगर हम उसको थोड़ा अच्छे हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें या हेल्प लें, तो फिर वो घटते जाता है और फिर हम उससे बाहर आते हैं और ज़िंदगी उसी तरीके से हमें खूबसूरत या अच्छी लगने लगती है। इसलिए भी हमने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको वे आउट है। इफ़ वी टेक सपोर्ट, इट इज़ पॉसिबल टू कम आउट ऑफ इट। हमारे इंडिया के एक जाने माने शायर है, डॉक्टर राहत इंदौरी, उनका एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआ है, आसमान थोड़ी है, ये सब धुआ है, आसमान थोड़ी है। तो इसी तरह आत्महत्या के जब विचार आते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, तो एक धुएं की तरह होता है जिसमें हम झुलस जाते हैं। तो उसको आसमान, उसको ज़िंदगी नहीं समझना है। हमारी ज़िंदगी काफ़ी बड़ी और काफ़ी व्याप्ति रखती है। हमें उस फेज़ को ज़िंदगी ना समझकर उससे बाहर आने के लिए सहायता लेनी है। ये भी एक रीज़न है कि हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।